सही आ रही है बेटा अभी। हेलो हेलो, देना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए थे। सबसे पहले जो पॉइंट था, पहले पॉइंट में हमें निकालना था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें रेशियो निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ, तो उसकी परसेंटेज हमें दे रखी थी। परसेंटेज की सहायता से हमें नंबर ऑफ बॉयज निकाले, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले और फिर उनका रेशियो निकाल। सेकेंड वाला जो पॉइंट था, सेकेंड वाले पॉइंट में कह रहा था द कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। हमें कहता है एक पर स्टूडेंट के हिसाब से, पर हेड के हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी है कि एक कैंडिडेट की कॉस्ट क्या होगी। अगर टू टीचर्स हैं, वो टोटल 30 स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं, 30 तो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और टू टीचर्स हो गए, टोटल 32 कैंडिडेट हो गए। 32 कैंडिडेट्स के हिसाब से हमें ये बताना है कि एक कैंडिडेट के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी। हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1 किलोमीटर 12 रुपीज दिया हुआ है। टोटल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो सॉरी 55 किलोमीटर की, तो 55 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 12 × 55, ये 660 रुपये आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की। कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट हमें दी हुई है 4280, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4940। हमारे पास टोटल 32 कैंडिडेट्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ 32 कैंडिडेट्स कितनी हो गई, 4940। एक कैंडिडेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 32 से डिवाइड कर दिया हमने, 154.37 रुपीज आ गए। ये मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, इसका जो आंसर दे रखा है वो डिफरेंट है, वो हो सकता है इसके क्वेश्चन में कहीं पर मिसप्रिंट हो गई हो सकता है आंसर में हो गई हो मिसप्रिंट। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 किलोमीटर की कॉस्ट 20 रुपीज मानकर चलते हैं, 24 रुपीज मानकर चलते हैं, तो वो आंसर मैच सही होता है हमारा। अब ये हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो गई हो क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है आंसर में भी मिसप्रिंट हो गई हो, तो किसी में भी मिसप्रिंट हो सकती है। हमने जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी उस हिसाब से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है, 154.37 रुपीज आएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें ये मिस्टेक हो गई हो मिसप्रिंट, या फिर आंसर में भी हो गई हो, किसी में भी हो सकती है बेटा मिसप्रिंट। थर्ड वाले पार्ट में कहता है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। कहता है उनका जो फर्स्ट स्टॉप है ना, जहां पर वो रुकते हैं, थोड़े ठहरते हैं कुछ समय के लिए, वो कितना है, 22 किलोमीटर है। जैसे थोड़े थक गए बैठे बैठे तो रिफ्रेशमेंट के लिए वो रुके थे, तो कहता वो स्टॉप 22 किलोमीटर का था स्कूल से। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 इज, तो कहता है ये जो 22 किलोमीटर है ना, ये टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। और सेकंड पॉइंट में कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितनी डिस्टेंस बच गई है उसका परसेंटेज हमें निकालना है कि ये कितना परसेंट है और बची हुई कितनी है। ठीक है, हमें 22 किलोमीटर निकालनी है एज परसेंटेज ऑफ 55 किलोमीटर। 22 किलोमीटर को हमें परसेंट में निकालना है 55 के, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 55, जैसे हमने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में किया था। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100%। कैंसिल करेंगे, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, और इसको 5 से डिवाइड किया, 20 × 2 = 40% आ गया। ये 40% डिस्टेंस है जो उन्होंने कवर कर दी थी 22 किलोमीटर। ठीक है, ये परसेंट पूछी थी हमने कि जो 22 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग में, वो 55 का कितना परसेंट है, तो 22/55 और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया, इसको सिंपलीफाई किया, 40% डिस्टेंस उन्होंने कवर कर दी। अब यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट निकल जाएगा कि 40% तो उन्होंने कवर कर दी, 100% माइनस 40%,
60% डिस्टेंस उनकी बची हुई है कवर्ड कर, ठीक है। कल भी बताया था मैंने आपको। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत है तो बताओ, माइक ऑन करके अच्छे से बना फिर माइक ऑफ कर लो। ये बेटा मैंने कल भी बताया था, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, वो चाहे किसी के मार्क्स हो, कोई डिस्टेंस हो, किसी की टोटल क्वांटिटी हो, वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% का 40% तो हमने कवर कर दिया 22 किलोमीटर में, बच कितना गया 100 में से माइनस। हाँ बेटा सर, बताओ बेटा बताओ, शाबाश। हेलो एक इसको निकालने का दूसरा मेथड ये है बेटा, कि हमें हो गया वो कौन सर, कोई वो नहीं पता बेटा, नहीं कोई नहीं बेटा, आ जाएगा उसको दीजिएगा। तो एक इसका मेथड ये है, 22 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर कर दी है, डिस्टेंस हमारी कितनी बच गई 33 किलोमीटर की, इसका परसेंट हम निकाल दें, 33 / 55 × 100% वही है कितना आएगा 60% आएगा, ठीक है। इससे अच्छा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100% होती है, 40% डिस्टेंस हमने कवर कर दी, तो कितनी बच गई 40% − 60% डिस्टेंस हमारी बची हुई है, ठीक है। तो इसमें जो तीन पॉइंट्स है बेटा, तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, तीनों के लिए अलग अलग क्वांटिटीज यूज होंगी, अलग अलग वैल्यूज यूज होंगी, तीनों को अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन में मिक्स करके दे दिया है, इस तरह का ये एक ही क्वेश्चन है, बाकी ऐसा क्वेश्चन और कोई नहीं आएगा, शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन में चलते जाना है, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10th है, कहता है द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज ₹34,000 लास्ट ईयर, कहता जो एक स्कूटर का प्राइस था वो लास्ट ईयर 34,000 था, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, कहता जो इस साल है उसका प्राइस 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ, तो कहता उसका प्राइस अभी क्या होगा। एक इसका आंसर है वो भी बेटा आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, देखो अभी कहता लास्ट टाइम उसका लास्ट ईयर जो उसका प्राइस था वो 34,000 था, इस बार वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा 34% से, कोई भी वैल्यू जब अपने आप में इंक्रीज करती है तो वो उससे ज्यादा आती है, जैसे 34,000 में इंक्रीज हुआ है तो 34,000 प्लस आएगा, वो कुछ भी प्लस हो सकता है वो निकालेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो 32% या 30 इस तरह से देखा है, 30,000 या 32,000 इस तरह से, मैंने ध्यान से नहीं देखा, ज्यादा इतना याद नहीं है, इस तरह से देखा है वो, इसी वैल्यू से लेस देखा है, वो लेस नहीं हो सकता, या तो फिर वो ये हो सकता है कि इसको डिक्रीज करे तब वो लेस होगा, या फिर उसका आंसर गलत है, ठीक है। कोई भी वैल्यू जब इंक्रीज होगी किसी भी वैल्यू का प्राइस तो वो उसमें ऐड होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, तो ऐड होगा तो 34,000 प्लस होगा कुछ ना कुछ है, और वो 34,000 से ज्यादा ही आएगा आंसर, लेकिन आंसर ही हमारा 34,000 से लेस देखता है वो, या हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो गई हो, यहाँ पर डिक्रीज आता हो, या फिर हो सकता है आंसर में भी मिसप्रिंट हो गई हो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 34,000 उसका प्राइस लास्ट टाइम, प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर 34,000 हमें दे रखा है, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज कितना हुआ है 20% ऑफ दिस ईयर, 20% ऑफ 34,000 हमारा इंक्रीज हो गया, 20% ऑफ 34,000 निकालेंगे, परसेंटेज को हटाया डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया मल्टीप्लाई 34,000, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 20 × 340 = 6,800 आ गया, मतलब इंक्रीज इन प्राइस कितना आ गया 6,800, इतने रुपए से वो उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है, जो लास्ट टाइम लास्ट ईयर जो स्कूटर की प्राइस थी वो 34,000 थी, इस साल क्या हुआ 20% इंक्रीज हो गया, किसका 20%, 20% ऑफ 34,000 वो हमने निकाल दिया, वो 6,800 आ गया,
इतने पैसे उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, वो महंगा हो गया, तो उसका जो न्यू प्राइस आएगा, न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर कितना आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका 34,000 प्लस 6,800, दोनों को ऐड कर देंगे 40,800, ये आंसर आ जाएगा। सर 20% को 34,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये बेटा कहता है 20% इंक्रीज हो गया है, तो किसका 20% निकालेंगे? हमेशा ओरिजिनल का ही 20% इंक्रीज होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसी पर डिक्रीज या इंक्रीज निकालते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना होता है, तो इंक्रीज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, इंक्रीज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल और मल्टीप्लाई में 100%, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो हमेशा ओरिजिनल के ऊपर ही वो चीज निकल के आती है, वो होता है इंक्रीज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज हमें दे रखी है, इंक्रीज वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई में आ गई, और जो ये 100 है वो डिवाइड में आ गया, ये इंक्रीज वैल्यू यहाँ से आ गई। देखो अभी तो मेरे पास वो पीडीएफ निकालनी पड़ेगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो इंक्रीज परसेंटेज हमारी होती है ना, वो हम किस तरह से निकालते हैं, इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100, और ये आता है परसेंटेज, ठीक है, इस तरह से आता है। जब हमें ये इंक्रीज वैल्यू निकालनी है तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में आ गया, और जो ये 100% है ये 100 नीचे डिवाइड में आ गया, वही यहाँ पर वाई ये ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई में आ गया, और जो 100 था वो डिवाइड में आ गया। अब पीडीएफ देखना, मैंने जो स्टार्टिंग में 8.1 का होमवर्क भेजा था, 8.1 की जो फर्स्ट पीडीएफ थी उसमें जो बेसिक पॉइंट्स बताए थे उस पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ था बेटा, इंक्रीज परसेंटेज हमने निकाल के बताई थी मैंने आपको, सेकंड पेज के बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 8.1 का जो फर्स्ट पीडीएफ थी उसके सेकंड पेज पर बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो आप ध्यान से देखना, वो यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज हमें दी हुई है, इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे 20% ऑफ 34,000, 20% ऑफ 34,000 निकाल देंगे, परसेंटेज को हटाए डिवाइड में 100, ऑफ को हटाए मल्टीप्लाई और 34,000, मतलब 34,000 का 20% इंक्रीज हो गया, ये कितना आ गया 6,800। इसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे, ये तो हमारे पास ओरिजिनली पहले से था, ये इंक्रीज हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये न्यू वैल्यू आ जाएगी, न्यू प्राइस आ जाएगा 40,800, ठीक है बेटा। जब डिक्रीज निकालना होता है तो यहाँ पर सेम वही डिक्रीज कहा जाता है, जो परसेंटेज होती है वो डिक्रीज परसेंटेज आ जाती है, वो फिर यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, माइनस करेंगे इंक्रीज के लिए प्लस करते थे वहां पर, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज और एक एरर परसेंटेज, तीन फॉर्मूले बताए थे बेटा, वो एक बार ध्यान से देखना, और जो भी उसका बेसिक पॉइंट था सभी देखना, जो स्टार्टिंग की पीडीएफ में था वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट। एरर जो होता है, एरर बेटा ये होता है कहीं पर मिसप्रिंट हो जाती है, कि जैसे उसकी हम जैसे वो करते हैं कोई भी सामान लेते हैं, तो हो सकता है उस पे जो MRF लिखा होता है, MRP लिखा होता है, MRP में मिसप्रिंट हो जाती है, या फिर पैसे का लेन देन करते हैं उस टाइम मिस्टेक हो जाती है, कम पैसे दे देते हैं, ज्यादा पैसे दे देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एरर, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाती है हमसे तो उस मिस्टेक को बोलते हैं एरर। उसका फॉर्मूला क्या था? एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100%। जो एरर हमारे पास जितने रुपए की हुई है वो लिखेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। सेम जैसे इंक्रीज और डिक्रीज वाला है, उसमें भी इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100%। और सर जो आंसर आएगा उसमें से जो सारा हिसाब था फिर उसमें से माइनस कर देंगे? हाँ, वो उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो देखेंगे, हमें ये जैसे इसमें ये इंक्रीज हो गया प्राइस, और हमें इंक्रीज प्राइस से निकालना है कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो 6,800 इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया, प्लस कर देंगे इसको, टोटल कितना हो जाएगा 34,000 प्लस 600। अब मान लो यहाँ पर ये बोल देता कि ये डिक्रीज हो जाता है प्राइस, और डिक्रीज प्राइस हुआ कि बताना हमें डिक्रीज होके कितना बचा, तो इसको माइनस कर देते कि 34,000 तो पहले से था, डिक्रीज हो गया 6,800 से, तो अब ये इतना बच जाएगा
पूछिए, देख लेना 38,000 या 27,000 समथिंग बचेगा, ठीक है 27,000 समथिंग बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, उसको माइनस कर देंगे, डिक्रीज होता है तो ठीक है। ये बिल्कुल बेटा जब हम सीपी और एसपी पढ़ेंगे ना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज, वो सब पढ़ेंगे जब अच्छे से आएगा वो समझ, ठीक है। उसमें सभी इसी तरह के क्वेश्चन है कि वो डिक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया, उसमें इस तरह से डिक्रीज हुआ है, कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये इंक्रीज हो गया, वो सब जो डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज है वो सब उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार वो फॉर्मूले जो मैंने बताए, वो बेसिक जो भी था वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और आज आपका टेस्ट है, यहाँ तक जो सिलेबस हो जाएगा वो कंप्लीट आएगा 8.1 और फोर्थ चैप्टर का, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, इलेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। आप हाँ बेटा, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था पहले कि जब इसका सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है तो इसके लिए हमारे पास जब ये क्यूब में दिया हुआ है उसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, हमें इसको ऐड करके ही देखना पड़ेगा। जैसे 6 raised to power 3 है, इसको हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है तो इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसको हमें ऐड करके करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 नहीं आएगा, 1 ऑड नंबर्स में लिखना है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका और कोई शॉर्ट मेथड भी नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स में ही इसको हमें प्राइम ऑड नंबर्स में इसको लिखना पड़ेगा। ऑड नंबर्स हमारे पास यही होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं आएगा, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 19, 23 इस तरह से। इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं बेटा। हाँ जब ये स्केयर में होता था, स्केयर में हमारे पास होता था जैसे हमें 7 का स्केयर लिखना है तो हम 7 ऑड नंबर्स लिख देते थे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + इस तरह से, ठीक है। एक वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब कॉन्जुगेटिव वर्ड साथ लग जाएगा, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, उसके लिए फिक्स फॉर्मूला हो जाएगा। कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स के रूप में लिखना है, मान लो हमें 6 raised to power 3 को, वो वैसे है ना सिलेबस में, मैंने बता दिया था 6 raised to power 3 को कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स के रूप में लिखना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n = n-1 और इस कंप्लीट में क्या कर देंगे प्लस, n की वैल्यू को यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 और 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 1, 6 × 5 = 30, 30 + 1 = 31, हम 31 से स्टार्ट कर देंगे, 31 हमारा फर्स्ट ऑड नंबर आएगा, उसके बाद उसको लिख देंगे 31 + 33 + 37 + 39 नहीं आएगा। सर ऑड नंबर्स में तो हम उल्टे फुलटे कैसे भी ले सकते हैं लेकिन उनका सम 6 आना चाहिए, जो नंबर दे रखा है वो आना चाहिए। 6 raised to power 3 आना चाहिए, 6 raised to power 3 का मतलब 216 आना चाहिए, 216 के इक्वल आना चाहिए। 1 से स्टार्ट कर देंगे हम, 1, 3, 5, 7, 11 क्या बेटा ये n × n-1 ये जो फॉर्मूला है इससे क्या निकलेगा? इससे हमारे पास जैसे क्वेश्चन हमारे पास 6 दिया हुआ है सेम उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन में सिंपल ये कहता है सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना है, लेकिन कहीं हमें ये मिल जाए सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जुगेटिव वर्ड्स अगर आ जाता है तब हम इसे फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये हो गया हमें लगातार ऑड नंबर्स लेने पड़े, हम कहीं पर भी उसमें मिस नहीं कर सकते कोई नंबर, तो इसका जो फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा वो फर्स्ट नंबर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे 6 raised to power 3 के केस में फर्स्ट नंबर आ गया 31, फिर अगला नंबर हो जाएगा 33 नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 37, तो उसके बाद 41 इस तरह से ये ऑड नंबर्स हम लिखते जाएंगे कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, बाकी वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने बता दिया।
33 बेटा वो ओड नंबर नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्जुगेटिव ओड, वो ओड नंबर्स लेने, लगातार ओड नंबर्स। 31 के बाद ना तो 32 ना 33 ना 34 ना 35 कोई भी ओड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर्स है सर। जो 4.1 को अच्छा था ओड नंबर्स थी बेटा, 33 35 आ जाएगा। सॉरी मैं प्राइम नंबर्स लेकर चल रहा था, सॉरी प्राइम नंबर्स सोच कर चल रहा था मैं, ओड नंबर्स में आ जाएगा वो, 33 भी आ जाएगा 35 भी आएगा, सॉरी 33 35 आएगा बेटा, वो ओड प्राइम नंबर्स ध्यान में आ गया था। हाँ बताओ बेटा। सर जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें ऐसे भी लिखते हैं, पहले 5 लिख दिया फिर 1 लिख दिया फिर 3 लिख दिया, वो सीरीज चेंज कर सकते हो लेकिन आपको अच्छा रहेगा आप स्टार्टिंग से ऐड करो 1+3+5 स्टार्टिंग से ऐड करो कि वो अच्छा है। बाकी कोई सीरीज चेंज हो जाए ना, जैसे उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 7 किसी तरह से भी लिख दो, पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, पोजीशन चेंज हो सकती है इसमें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, शाम तक टेस्ट आपका, फिर से मैं समझा दूंगा आपको बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11th क्वेश्चन में क्या करता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में ही लेंथी है लेकिन बेटा जो इसका आंसर है बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। कहता है इन ए प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड टू अबाउट द नंबर ऑफ आवर सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, ये बहुत लेंथी लैंग्वेज दी हुई है। कहता है एक प्राइमरी स्कूल होता है और प्राइमरी स्कूल में एक पेरेंट्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सर्वे होता है, पेरेंट्स के ऊपर सर्वे किया जाता है कि भाई आप अपने बच्चों की कितनी सहायता करते हो पढ़ाने के लिए, कितने घंटे आप बच्चों को पढ़ाते हो घर पे, ये सर्वे किया जाता है कि होमवर्क के लिए आप बच्चों की कितनी सहायता करते हो। तो कहता है देयर वर्क द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प इज गिवन इन द एडजॉइंट फिगर। एक हमें फिगर दिया हुआ था उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लिखने की, इसलिए मैंने नहीं बनाया, इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ था आप देख लेना जिसके पास होता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन में दी हुई है। कहता उसकी सहायता से देख सकते हैं, उसमें दिखाया हुआ है क्या कहता है उसमें, 20% हेल्प फॉर मोर देन हाफ 1.5 आवर। कहता जो 20% पेरेंट्स है ना वो 1.5 आवर से ज्यादा के लिए हेल्प करते हैं, 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, एक डेढ़ घंटे से ज्यादा के लिए 20% सहायता करते हैं। 30% हेल्प फॉर हाफ टू 1.5 आवर्स। कहता जो 30% पेरेंट्स है वो हाफ आवर से लेकर डेढ़ घंटे से ज्यादा पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और जो 30% पेरेंट्स हैं वो आधे घंटे से लेकर डेढ़ घंटे तक पढ़ाते हैं सिर्फ, जो 30% है ये कहता 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर, जो एक आधे घंटे से लेकर डेढ़ घंटे तक के बीच में 30% पढ़ाते हैं, 30% पेरेंट्स पढ़ाते हैं। और कहता 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल, और कहता जो 50% पेरेंट्स है वो बिल्कुल भी सहायता नहीं करवाते हैं अपने बच्चों के होमवर्क के लिए, यही हमें डायग्राम में दिखाया हुआ था, एक हमें इस तरह से सर्कल बना दिया उसको डिवाइड कर दिया कि भई ये 50% पेरेंट्स है
वो बिल्कुल अब हेल्प नहीं करते हैं। 30% पेरेंट्स है वो इतने टाइम हेल्प करते हैं, 20% है वो इतने टाइम हेल्प करते हैं, ये डायग्राम में दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ मैनी पेरेंट्स वर सर्वेड, तो कहता है कितने पेरेंट्स के ऊपर ये सर्वे किया गया था। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि टोटल कितने पेरेंट्स थे जिनके ऊपर ये सर्वे हुआ था, वो निकालना। देखो दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पर। देखो स्टार्टिंग में इसने एक पॉइंट दिया था, देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ टू वन एंड हाफ आवर। कहता 90 पेरेंट्स हैं जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं, और इसी को हमें यहाँ पर दिया हुआ है 30% ऑफ हेल्प फॉर हाफ आवर टू वन एंड हाफ आवर। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी और यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है कि 90% ऐसे हैं जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, सॉरी हम मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स सर्वे वो सर्वे हुआ। ठीक है, और ये हमें दे दिया कि 30% ऑफ एक्स वो कितना हो गया, 90 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी 30% है और ये भी वही पेरेंट्स है जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं, ये भी वही पेरेंट्स है जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो 30% ऑफ एक्स, 30% निकालेंगे एक्स का, वो किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90, यहाँ से परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई, और एक्स इज इक्वल टू 90। 30/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 90 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 100 यहाँ पर डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ गया, 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। 90 × 100 डिवाइडेड बाई 30, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 33 × 90 और 100 × 3 300, ये x की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास टोटल 300 पेरेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया है। ठीक है, टोटल 300 पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर ये सर्वे हुआ है, और उसमें से फिर हमें अलग अलग वैल्यू पूछी है कि ये कितने परसेंट, ये कितने होंगे, वो कितने होंगे, वो अभी निकालें। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, तो कहता है कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो हेल्प सहायता नहीं करते हैं, वो हमें निकालने हैं। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल भी सहायता नहीं करते हैं, तो किसका 50%, 50% ऑफ 300, और 50% निकालेंगे 300 का, 50/100 × 300, इसको कैंसिल करेंगे, 52 × 100, और 300 को कैंसिल करेंगे, 150 आ जाएगा, मतलब 150 पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं वो बिल्कुल भी सहायता नहीं करते। हमारे पास टोटल पेरेंट्स आ गए बेटा, अब वो हमसे कोई भी वैल्यू निकलवा ले, हम वही वैल्यू निकाल देंगे। थर्ड वाले में कहता है हाउ मैनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन वन एंड हाफ आवर, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो वन एंड हाफ आवर से ज्यादा के लिए सहायता करते हैं, उसका परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20% है वो, तो 20% निकाल देंगे, 20% ऑफ 300, और 20% निकालने के लिए 20/100 × 300, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 20 × 3 = 60 आंसर आ जाएगा। 60 पेरेंट्स ऐसे हैं जो वन एंड हाफ आवर से ज्यादा के लिए सहायता करते हैं। ठीक है बेटा, बारिश ज्यादा आ गई है, मौसम खराब है, हो सकता है नेटवर्क में भी दिक्कत आ जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट हमारे पास ये था बेटा कि हमें टोटल पेरेंट्स निकालने थे, टोटल पेरेंट्स कितने हैं वो हमें इसकी सहायता से निकालेंगे, जो हमें स्टार्टिंग में पॉइंट्स दिया हुआ है कि 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं, वो वही पेरेंट्स जो हाफ आवर से लेकर वन एंड हाफ आवर के लिए सहायता करते हैं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, उसको हमने इक्वल पुट किया, इक्वल पुट करते ही हमारे पास टोटल पेरेंट्स आ गए।
ठीक है, उसके बाद हमसे कोई भी वैल्यू निकलवा ले हम उतना ही परसेंटेज निकाल देंगे। 20% निकालना है 20% निकाल देंगे, 50% निकालना है 50% निकाल देंगे। ठीक है बेटा, 12, 14 एंड 15 तीनों क्वेश्चन बेटा, 12 थोड़ा अलग है, 14, 15 सेम तरह से, लेकिन इनके लिए फॉर्मूला हमारे पास एक ही यूज होगा, सेम तरीके से निकलेंगे। देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन गेव 35% ऑफ हिज मनी टू हिज एल्डर सन। कहता है एक आदमी है और वो आदमी अपनी टोटल मनी का 35% अपने बड़े बेटे को दे देता है, एल्डर सन को दे देता है। एंड 40% ऑफ रिमेंडिंग, 40% ऑफ रिमाइंडर, ये मेन पॉइंट है बेटा, 40% ऑफ रिमाइंडर जो मनी उसके पास बच गई थी उसका 40% टू हिज यंगर सन, अपने छोटे बेटे को दे देता है। देखो मेन पॉइंट क्या है, पहले वो अपनी जो भी मनी थी, टोटल मनी थी, उसका 35% अपने बड़े वाले बेटे को दे दिया। 35% देने के बाद जो उसके पास पैसे बचेंगे ना, उनमें से 40% वो अपने छोटे बेटे को देता है। कहता है इफ ही हैज, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 23,400। कहता है ये सब पैसे देने के बाद उसके पास 23,400 रुपए बचते हैं। फाइंड हाउ मच मनी डिड ही हैव ओरिजिनली, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितनी पैसे थे, कितनी मनी थी, वो हमें निकालना है। एक तो बेटा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि हम टोटल मनी को एक्स मानकर चले, जैसे पीछे की कुछ क्वेश्चन में हम मानकर चले थे, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन में हम एक्स लेकर चलेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट क्या दे दिया इसने कि हमें रिमाइंडिंग मनी निकालनी है, रिमेनिंग जो मनी है वो निकालनी है, उसका फिर 40% निकालना है। अगर ये रिमाइंडर हमारे पास नहीं दिया होता ना, तो हम डायरेक्ट एक्स मानकर भी चल लेते, उसमें एक इक्वेशन हमारे पास बनती, उस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते। नहीं बेटा ये अलग है, एक तो मान लो आपके पास ये हो कि आपके पास 100 पैसे, 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 20% आपने मान लो किसी आपके एक भैया को दे दिए, और आपने मान लो 20% एक भाई को दे दिए, दूसरे भाई को दे दिए, तो 20 20 टोटल 40% आपने दे दिए। एक पॉइंट तो ये हुआ 100 में से आपने 20 दिए और 100 में से ही आपने 20% दिया, और ये जो रिमाइंडर आ गया इसका मतलब ये हो गया स्टार्टिंग में जो आपने दिया है वो आपने 100 में से दिया है, 100 में से आपने 20% दे दिया, 100 में से आपने 20 दे दिया। उसके बाद भी अगर इसने ये कह दिया कि रिमेंडिंग में से, तो रिमेंडिंग का मतलब 100 में से हमने 20 दे दिए, हमारे पास 80 बच गए, अब हम 80 में से काउंट करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी वो 80 में से निकलेगी, कि अब हम 80 का 20% निकालते हैं या 40% निकालते हैं, वो 20 के इक्वल नहीं आता। 100 का तो 20 के इक्वल आता है, लेकिन जब हम 80 का 20% निकालेंगे वो बेटा अलग निकलेगा। ठीक है, 80 का 20% अलग हो जाएगा। 100 अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो हम 100 का ही 20% निकालते या फिर 40% निकालते, वो 40 के इक्वल ही आता, लेकिन अब हमें 100 में से ये माइनस किया, एक्स मान के हो जाएगा बेटा, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वो हमारे पास इक्वेशन बहुत लेंथी बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो। ठीक है ना, और बाकी कर सकते हैं, एक्स मान का भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अगर कोशिश कर सकता हूं आपको दिखाने की एक बार, अगर टाइम बच गया कभी तो। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था एक्स मानकर, आपने शायद किसी ने पूछा भी था ना, वो एक क्वेश्चन था उसमें हम एक्स मानकर किया था 3/4x + 600 कुछ इस तरह से था। yes, तो उस तरह से, लेकिन उसमें हमारे पास सिंपल दो ही चीज थी, एक हमारे पास स्पेंडिंग मनी थी, एक नॉन स्पेंडिंग मनी थी, तो उसमें निकल भी जाता, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होता फिर भी, लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्स मानकर। एग्जाम्पल भी इस तरह के एक दो हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते, उसमें भी आप देखना 100 मानकर ही हमारे पास क्वेश्चंस किए हुए, 100 से ये क्वेश्चंस बहुत सिंपलीफाई हो जाते हैं। हम मानेंगे लेट द ओरिजिनल मनी ही हैव, मान लिया हमने 100, सिर्फ 100 मानेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू तो 100 नहीं है, मतलब आंसर निकलेगा वो अलग है, फिर ये क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए उसके पास से स्टार्ट मनी ही गेव टू हिज एल्डर सन, 5% से 100 कैंसिल, 35 एज इट इज आ गया। सर जब हम इसको इस तरह से 100 मानकर चलते हैं तो हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा,
सर हमने पहले ही इसको 100 मान लिया, फिर जो आंसर निकलेगा वो 100 थोड़ी ना आएगा, वो तो अलग आएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बेटा आवाज नहीं आई, अगर आवाज 35% निकालेंगे 100 का 35 30 के इक्वल ही आएगा। 100 का यही फायदा है अभी मानकर चलने का कि 100 का कुछ भी परसेंट निकाले हम वो उतना ही आएगा। 100 का 35% 35 आ गया। रिमेनिंग मनी हम निकालेंगे, उसके पास कितनी मनी बच गई, ओरिजिनल 100 थी, 35 उसने दे दी, 100 माइनस 35 किया 65 उसके पास बच गए पैसे। स्टार्टिंग में 100 थे, अब उसके पास 65 रुपए बचे हुए। कहता जो पैसे उसके पास बचे हुए हैं उनका 40% ऑफ द रिमाइंडर वो अपने छोटे बेटे को देता है। तो मनी ही गेव टू यंगर सन, यंगर सन को कितना देता है 40% ऑफ रिमेनिंग मनी। 40% ऑफ रिमेनिंग का मतलब 40/100 × 65। रिमेनिंग मनी कितनी है 65, तो 40/100 × 65 इसको कैंसिल करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/5 कैंसिल होगा, सॉरी 2/4, 5/10, 2/5, 65 को 5 से कैंसिल करेंगे 13, और 13/2 = 26, मतलब 26 रुपए उसने अपने छोटे बेटे को दे। बेटा हो सकता है इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच जाए, या तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा या फिर कल समझा देंगे। ठीक है, 26 रुपीज उसने अपने छोटे बेटे को दे दिए, 35 उसने अपने बड़े बेटे को दिए थे, टोटल कितने पैसे दे दिए उसने 100 में से माइनस कर दिया 35 + 26, 100 - 61 और 39 बच गया, ये पैसे उसके पास बच गए। 35 भी दे दिए, 26 भी दे दिए, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, जैसे माइनस किया 100 में से 100 - 61, 39 उसके पास बच गया, और 39% ऑफ टोटल मनी ये हमें दिया हुआ है कि जो बची हुई मनी है वो